यार YouTube पे मैंने ना एक बहुत ही गंदी चीज़ देख रहा हूँ लगातार, और काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है और स्पेशली बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है कि YouTube पे जो प्रो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं जो टेक से रिलेटेड एडवाइस देते हैं, और मुझे लगता है उसकी वजह से आने वाले टाइम में आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करोगे। क्या होता है कि आपने YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें क्या लोग बोलते हैं कि मैं 15 मिनट में, आधे घंटे में, ठीक है 5 मिनट्स में, विद इन 3 डेज में पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखा देंगे, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपको प्रो बनवा देंगे, लाइक दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बच के रहना है और उसके पीछे बहुत सारा आपको हार्म होने वाला है। क्योंकि देखो यार, वो YouTube कंटेंट जो बनाते हैं उनके पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उन्होंने 5 मिनट में चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब अ काइंड ऑफ लेंदी चीज को जो है उनने समराइज किया है विद इन अ 5 मिनट्स। बट इट डजेंट मीन दैट कि वो 5 मिनट्स का कंटेंट आप इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे, और अगर आप स्पेशली बिगनर्स हैं तो डेफिनेटली आपने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और अगर आप कैरियर के शुरुआती दौर पे हैं। और दूसरी चीज ना यार, क्या होता कि आपने एक चीज देखा होगा कि जो लोग ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि वो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको क्लिक्स चाहिए होते हैं, अपने व्यूज बढ़ाने होते हैं, अपने नंबर्स बढ़ाने होते हैं। और इवन मैंने ऐसे भी यूट्यूबर्स को देखा जिनने क्या अभी कैरियर की शुरुआत ही की है, कॉलेज से निकले ही हैं, उनने किसी और की वीडियोस देखना स्टार्ट किया, फिर उनने साइड में अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया ऑन यूट्यूब। तो भैया पहले तो सीख लो, एक्चुअल एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप YouTube पे वीडियोस बनाओ। कुछ भी गलत नहीं है, आप कर सकते हो साइड बाय साइड, अगर लर्निंग के लिए कर रहे हो इट इज ओके, बट इट डजेंट मीन दैट कि आप लोगों को देख करके इंस्पायर होकर करके, जिसको झूठे इंस्पिरेशन मैं बोलूंगा। क्योंकि यार देखो अभी क्या है कि आप एक चीज नोटिस करोगे, हर साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रिलीज की जाती है फ्रॉम दी एवरी यूट्यूबर्स। इवन मैंने भी एक दो वीडियोस बनाई है, बट उन वीडियोस में मैंने कई चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है कि भाई क्या होता है, वो वीडियो का टाइटल होता है टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इनमें क्या हो रहा था है कि आप कहीं ना कहीं आप एक ऐसे जंजाल में फंस रहे होते हो, क्योंकि होता क्या, हर साल एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई आपको पता है कभी टॉप पे पाइथन हुई, कभी जावा स्क्रिप्ट हुई, कभी जावा नीचे आ गई, बॉटम में आ गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप जब बिगनर होते हो, आप नूबीज होते हो, तो आपको किसी एक चीज को पकड़ करके चलना होता है। बट बिकॉज ऑफ द मार्केट और बिकॉज ऑफ द यूट्यूब यू कैन से दैट, उसकी वजह से क्या होता, आप लगातार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो और लगातार आप मल्टीपल चीजें लर्न करते हो, जिसकी वजह से क्या होता काफी सारी खिचड़ी हो जाती है और आप फिर एट द एंड कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या है। क्योंकि क्या होता है कि यार यूट्यूबर्स ना ऐसी एडवाइस देते हैं कि कभी कभी कि आपको मोर देन 5 थिंग्स पता होनी चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बिगनर हो, आप एक चीज को शुरुआत करो और उस चीज पे अच्छे से काम करो और अच्छे से अपनी स्किल्स को एनहेंस करो, ये ज्यादा मैटर करता है। इनिशियल स्टेज पे कोई ये बोले कि नहीं आपको 4-5 चीजें आनी ही चाहिए ही चाहिए, कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम के साथ आप गेन करते हो। बट यार क्या ही है, उसकी वजह से आपको फिर बहुत सारा क्या करेंगे आप रेज्यूमे के अंदर क्या करोगे, ऑब्वियसली आपने 5 चीजें सीख ली हैं और हर साल आपने नई चीज ऊपर नीचे देखा है, भाई टॉप पे कभी पाइथन तो आपने पाइथन भी सीखा, गो भी सीख लिया, जावा भी सीख लिया, चाहे तो आपने बहुत सारी चीजें सीख करके फिर रेज्यूमे में मेंशन करते हैं। और फिर क्या होता है, इंटरव्यू में आप क्या हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप रिजेक्शन फेस करेंगे, और सम टाइम क्या होता है कि आपको इंटरव्यूअर की तरफ से कॉल ही नहीं आएगी। अगर स्पेशली आप बिगनर्स हैं और आपकी बकेट में 10-15 चीजें आपने मेंशन कर रखी हैं कि भैया मेरे को ये भी आता वो भी आता, हम तो सर्वशक्तिमान हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका रेज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होगा और आपको अच्छी कंपनी से कभी भी कॉल नहीं आएगी, रिक्रूटर्स आपको कभी अप्रोच नहीं करेगा। देखो तो अगर कोई 5 मिनट में या 15 मिनट में वीडियोस बना रहा है कि भाई मैं आपको पाइथन सिखा दूंगा लेट से, तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपको वो चीज जल्दी से प्रोसेस करना और आपके अंडरस्टैंडिंग है तो वो वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है समवेयर। बट अगर आप बिल्कुल न्यूबीज हैं
तो भैया हम कहेंगे उन वीडियोस से बच के रहें, ठीक है। और हमेशा याद रखें यार कि कुछ स्किल्स ना टाइम लेती हैं और उन स्किल्स को सीखने में टाइम लगता है, तो उन स्किल्स को जल्दी के चक्कर में अपना करियर डिस्ट्रॉय ना करें, उनको आराम से टाइम दे करके सीखेंगे। एंड एक चीज और देखा है, जो लोग गारंटी टैग लगा देते हैं ना किसी भी टेक्नोलॉजी को सिखाते वक्त, तो भैया एक चीज याद रखो कि गारंटी किस बेसिस पे बोल रहा हूं, क्या मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल पता है? हम अपनी गारंटी बता रहे कि मैं आपको सिखा रहा हूं, बट इट डजेंट मीन दैट कि आप भी मेरी ही चीजें बताई हुई जो डिलीवरी की जा रही मेरे थ्रू वो आप अडॉप्ट कर पाएंगे। सो पहले तो मुझे ये समझना होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ मेजॉरिटी लोगों को कवर अप करने के लिए, इसलिए मैं वो डिटेलिंग में जाता हूँ। अगर अच्छी स्किल सीखनी है तो उनको टाइम देना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, देयर इज नो एनी शॉर्टकट। तो सबसे पहले यार अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और अपने आप से पूछें और थोड़ा सा पॉज लें, क्योंकि हम लोग ना अपनी लाइफ में पॉज नहीं लेते, बस गधों की तरह रेस में लगे हुए। एक बार पहले सोचो तो भैया एक्चुअल में हम जिंदगी में चीजों को कैसे सीखते हैं, क्या हमारा अपब्रिंगिंग ऐसे हुआ है या फिर ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी हुई है कि हर चीज हम सीख करके ही सीखते हैं, देख करके ही सीखते हैं। ऑब्वियसली देख करके, ऑब्जर्व करके, बट उससे इम्पॉर्टेंट है उस चीज को हम रिपीट करते हैं, मतलब करके सीखते हैं। हम जो भी बचपन में आप जाओ बच्चे को देखोगे, ऑब्जर्व करो, वो जब देखता है तो वो इमिटेट करता है, मतलब वो कर करके सीखता है। मैक्सिमम चीजें जो अपने अंदर वो हैबिट में ला रहा होता है वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है, और उसको जितनी बार उसने देखा होता है वो एक बार देखता है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन कितनी बार करता है, मल्टीपल टाइम्स, उस चीज में परफेक्शन अचीव करने के लिए। तो भैया आप वीडियो देखो बट उसको क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकली कितनी बार उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भैया वो करोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला, क्योंकि इसी केस में क्या होता है, अब जब करते हैं तो होता है क्या, जब आप एक्चुअल कोडिंग करने बैठते तो आपका थॉट नहीं प्रोसेस कर रहा होता, आप कहते हो यार मेरे को समझ में नहीं आ रही है ऐसे प्रोग्राम कैसे बनेगा, कहां से समझ में आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ वीडियो कंज्यूम किया है। तो दूसरा सॉल्यूशन है इसका, क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है सिंपली आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएं और उस पर कोडिंग स्टार्ट करें। मैं सिंपल वेबसाइट का नाम ले लेता हूँ लीड कोड का, जिसपे आप जाकर प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें या फिर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक एक है बट प्रोग्राम आपको 10-15 बनाने हैं, ठीक है। उस पर प्रैक्टिस होगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जब आपको आप सिंटैक्स के यूज टू हो जाएंगे, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा तो यू आंसर करेंगे, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर करके सीखना है, दूसरा चीज करना कहाँ से, लीड कोड या किसी भी अदर वेबसाइट को आप चूज कर लो जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग यार, प्रोजेक्ट बनाओ। अब प्रोजेक्ट क्यों बनाना, उसके पीछे रीजन ये, प्रोजेक्ट किसी के एडवाइस मत बनाओ कि ये बता रहा है कि ऐसे ये वाले प्रोजेक्ट होते, नो आपने अपना थॉट लगाना है कि आपको लग रहा है आपने सराउंडिंग कोई ऐसा नहीं कि आपने एक्चुअल में रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व ही करना है, ऐसा कुछ सोच के मत चलो। एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने घर वालों को दिखाना है, किसी को भी इम्प्रेस करना, लाइक ये सोच के भी बना लो, बनाओ, बट बनाओ। जब बनाओगे तब आप फंसोगे, अब जब फंसोगे तो क्यों फंसोगे, वहां पे आपको लगेगा ये वाली फंक्शनलिटी एक्चुअली अचीव कैसे किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जब एप्लीकेशन बनाते वक्त आप फंसोगे कि यार ये कैसे हम सॉल्व करें, वो आपको एक्चुअली जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते और जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी आपके डिजायर, आपको चाहिए रिजल्ट, उसको अचीव करने के लिए किस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, किस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको एक्चुअली यूज करना है, वो आप उसको सर्च करते हो गूगल से या फिर कुछ भी करके, वो पर्टिकुलर चीज को अचीव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग। और ये यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव होती है जब आप एक्चुअल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होते हो। तो क्या होता है, लेट्स से कि मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर .NET से, उसके बाद फिर मैंने जावास्क्रिप्ट पे काम किया, फिर वापस से जावा स्टार्ट किया, तो क्या होता है कि यार जो हम जंप करते हैं ना एक लैंग्वेज या एक टेक से दूसरे टेक पे, तो उसमें क्या होता है, हमारा यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग अप्लाई करनी होती। होता क्या इसके अंदर कि हमें जब कोई नई चीज़ बनाने को बोला जाता है या नया टास्क दिया जाता है, तो उससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करते हैं और उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझते हैं और जो बेसिक वहाँ पे एग्जांपल दिए होते हैं उनको टच करते हैं,
उसके बाद वापस हम अपने टास्क की रिक्वायरमेंट को समझते हैं क्या है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे फंसते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स को इंटरनेट पे अगेन सर्च करते हैं और उनको सर्च करके उनके अंदर मतलब टास्क में इम्प्लीमेंटेशन को इस तरह से धीरे धीरे बड़ा करते हैं, मतलब उससे कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मतलब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और हमें क्या एक्चुअली यूज़ करना है उसी को यू नो लर्न करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट और इस तरह से हम उस टेक्नोलॉजी में अच्छे होते चले जाते हैं ग्रेजुअली। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो मैं ये कहूँगा यार, इंटरनेट पर रिलाई करने से अच्छा है आप किसी ऑनलाइन या फिर उससे बेटर होगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर करें और वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करें। पहले अपना एक इमोशन बिल्डअप करें, कनेक्शन बिल्डअप करें उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ। जब आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा धीरे धीरे आप खुद ही चीज़ों को रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो यार आपको पता है बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है और जिसको यार हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप। बाय बाय।